ओके आज जो हमारा प्रेजेंटेशन है इट इज ऑन द बीओएम। बीओएम का फुल फॉर्म है बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। मैं और एक बार बोल रहा हूं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। ये शब्द को समझना बहुत जरूरी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। इसे हम शो द प्लान भी कहते हैं या शो द बिजनेस भी बोलते हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान भी बोलते हैं, जैसा भी आप नाम डालो। ये जो मीटिंग है ना, ये बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, बिकॉज यही एक मीटिंग है जो पहला हमारा प्रोस्पेक्ट जो डीएक्सएन के बारे में, जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी लेने के लिए ये एक पहला मीटिंग होता है। अगर ये पहला, हम बोलते हैं हमारा बिजनेस में ये जो मीटिंग है हमारा शर्ट का पहला बटन है। अगर पहला बटन हम करेक्ट नहीं डालेंगे, दूसरा बटन हम करेक्ट डालेंगे तो लास्ट बटन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपका जो प्रोस्पेक्ट आया हुआ है, आपने इन्वाइट किया, लिस्टिंग बनाया, इन्वाइट करके आपने मीटिंग अरेंज किया, मीटिंग में वो बंदा आ गया है, अभी आप उससे क्या बात करोगे, किसके ऊपर फोकस करोगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका फोकस गलत जगह में चला गया, आप उसे एक यू कैनॉट मेक हिम एज एंटरप्रेनर, एक बिजनेसमैन की तरह वो आपका बिजनेस में नहीं जुड़ेगा। शायद वो एक सेल्समैन की तरह जुड़ जाएगा, अदरवाइज एक कंज्यूमर की तरह जुड़ जाएगा, अदरवाइज एक पेशेंट की तरह जुड़ जाएगा। तो अगर आपका मकसद है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है आप जैसा बिजनेस करने वाला चाहिए, देन आपका जो प्रेजेंटेशन उसी तरह में होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है, सो वी वॉन्ट टू क्रिएट दिस प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन दिस वैल्यू दैट वी वॉन्ट टू क्रिएट ए बिजनेसमैन। बिकॉज हम सब लोग यहाँ पे आज हम सुन रहे हैं, हम ये जो मीटिंग ले रहे हैं, हमारा पीछे एक ही मकसद है, हमारा बिजनेस को डेवलप करना। ओके, सो मैंने कल एक मीटिंग लिया था ऑन द स्पीकर ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें मैं बोला था हर एक मीटिंग का पहले एक सोच होना चाहिए, दैट मीन द पर्पस। पर्पस का मतलब उद्देश्य। ओके, ये मीटिंग का उद्देश्य क्या है? ओके, ये उद्देश्य लेने के लिए मैंने बोला एक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है वो? थिंक फील डू। आप ये सोचना है ये मीटिंग के बाद आपका ऑडियंस क्या सोचना है, क्या महसूस करना है और आपका ऑडियंस क्या एक्शन लेना है। सेम फॉर्मूला हम यहां भी अप्लाई करेंगे। आज हमारा जो बीओएम मीटिंग है ना, इसका भी एक पर्पस होना चाहिए। ठीक है, ये पर्पस कैसे करेंगे? अगेन द सेम फॉर्मूला, थिंक फील डू। आज हम रिवर्स में करेंगे। सो पहले मेरा जो कोशिश है, ये प्रेजेंटेशन देखने की बाद मेरा जो प्रोस्पेक्ट है, ओके, मेरा जो ऑडियंस है वो इमीडिएटली मेंबरशिप ले और डीएक्सएन बिजनेस शुरू करे। ये उसका एक्शन होना चाहिए। मेरा प्रेजेंटेशन के बाद उसे ये फील होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग एंड डीएक्सएन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द फाइनेंशियल फ्रीडम। मेरी ये प्रेजेंटेशन के बाद मेरे ऑडियंस का सोच ये होना चाहिए, ये तरह का इनकम उसकी लाइफ के लिए काफी नहीं है, उसकी लाइफ में और एक इनकम चाहिए, पैसिव इनकम उसका लाइफ में जरूरी है। ओके, only being an entrepreneur or businessman is the safest way to become financially free. Okay, so mera paas jo option hai wo option hai network marketing aur dxn, iski zariye mein main membership le sakta hu. Ye soch mera audience ka andar aana bahut zaruri hai. Okay, ye jo business opportunity meeting hai, isse karne ka bahut acha tarika hai whiteboard mein. Theek hai, स्लाइड प्रेजेंटेशन में नहीं है। आज मैं आपको स्लाइड प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, मे बी इन फ्यूचर मैं आपको व्हाइट बोर्ड में इसे कैसा एक्सप्लेन करना है वो भी कोशिश रहेगा, कुछ लीडर के जरिए से हम ये आपको टेलीकास्ट करेंगे। ओके, क्यों व्हाइट बोर्ड? क्यों व्हाइट बोर्ड मीन्स, ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, हर घर में होना चाहिए। हर एक डीएक्सएन मेंबर, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 300 से 400 रुपया में एक व्हाइट बोर्ड मिलता है, आपका घर में होना चाहिए। ये व्हाइट बोर्ड में आप जो होम मीटिंग करते हो, लोगों को आपका घर में बुलाकर ये प्रेजेंटेशन उनको दिखाते ही रहना, दिखाते ही रहना, दिखाते ही रहना। जितना ज्यादा आप दिखाएंगे उतना सक्सेसफुल आपका बिजनेस होगा। ये हर एक व्यक्ति करना है, सिर्फ लीडर का काम नहीं है, हर एक व्यक्ति जो बिजनेस करना चाहता है ये जो प्रोग्राम है व्हाइट बोर्ड में दिखाना जरूरी है। ओके,
शायद आपका पास लैपटॉप हो और आपका पास कंप्यूटर हो, आपके पास प्रोजेक्टर हो, स्लाइड में भी आप दिखा सकते हैं, बट मैक्सिमम डुप्लीकेशन होना है तो ये व्हाइट बोर्ड में करना अच्छा है, बिकॉज हर एक का पास लैपटॉप नहीं होता है, तो आपका डाउनलाइन का पास प्रोजेक्टर नहीं हो सकता है, तो इसीलिए आप व्हाइट बोर्ड में करेंगे तो क्या होगा, ये डुप्लीकेट होगा। एवरीबडी व्हाइट बोर्ड में कर सकते हैं, घर बैठ के वन टू वन कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट में कर रहा हूँ तो व्हाइट पेपर में लिख सकता हूँ, सही है ना। सो इसे डुप्लीकेशन करवाना बहुत बहुत जरूरी है। ये जो हमारा BOM है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम या बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। ओके, अभी हम मुझे पर्पस मिल गया, मेरा ऑडियंस को क्या सोच होना चाहिए, क्या महसूस होना चाहिए और क्या एक्शन लेना चाहिए। ये आइडियाज कैसे जनरेट करें BOM के लिए। टू क्रिएट द नीड द प्रोडक्ट, पहले हमको क्या करना है, एक नीड क्रिएट करना है मेरा ऑडियंस में। ये मेरा पहला थॉट प्रोसेस है। ये जो BOM अब आगे आप देखेंगे, जो प्रेजेंटेशन आप देखेंगे, ये पहले मैंने क्या सोचा था, पहले मेरा एक नीड क्रिएट करना। सी लाइक चावल हो गया, सब्जी हो गया, इसे नीड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है जो मार्केट में जो बाजार में बिकता है, ये लाइफ का नेसेसिटी है, वो लोग जानते हैं इसके बिना मैं जी नहीं सकता हूं, तो इसीलिए अगर आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे ये प्रोडक्ट लोग कंज्यूम करेंगे ही। बट DXN का पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के बारे में लोग नहीं जानते हैं, आपका पास जो सोल्यूशन है ये सोल्यूशन के बारे में लोग नहीं जानते। सो ये सोल्यूशन देने के पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका अंदर जो प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन कौन कौन प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, वो प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना, एक नीड क्रिएट करना, एक आवश्यकता क्रिएट करना। ये नीड क्रिएट करने के बाद आपका पास जो सोल्यूशन है ये सोल्यूशन को प्रेजेंट करना, देन ओनली आपका जो सोल्यूशन है ये पूरा एक्सेप्ट हो सकता है। नाउ DXN में ऐसा क्या प्रोडक्ट है जो सब प्रॉब्लम को सॉल्व, आप ऐसा क्या प्रोडक्ट है जो आप प्रमोट कर सकते हैं। सो लोग बोलते हैं सर DXN में RGGL है, स्पाइरुलिना है, टी है, ये हम प्रमोट कर सकते हैं, बट DXN में इससे ज्यादा और एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अगर ये प्रोडक्ट को आप प्रमोट नहीं करोगे तो आपका बिजनेस नहीं होगा। RGGL, स्पाइरुलिना, टी, ये सब प्रमोट करने में आप कंज्यूमर बना सकते हो, ये सब प्रमोट करने में आप पेशेंट को ठीक कर सकते हो, बट अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको अलग एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। वो प्रोडक्ट का नाम है फिनेंशियल फ्रीडम। ये सोल्यूशन DXN देता है। ये सोल्यूशन को आप जरूर आपका प्रोस्पेक्ट का अंदर ये सोल्यूशन को बेचना चाहिए। ये फिनेंशियल फ्रीडम जो सोल्यूशन है ये एक प्रोडक्ट है DXN का अंदर, ये वर्चुअल प्रोडक्ट है। वर्चुअल प्रोडक्ट की मतलब DXN करने के बाद आपको ये हासिल होगा। सो ये फिनेंशियल फ्रीडम, ये प्रोडक्ट को बेचना बहुत जरूरी है। ओके, सो ये आप याद रखिए, बिकॉज मेरा जो प्रेजेंटेशन है ना ये इसके ऊपर ही चलेगा। बिकॉज कभी कभी हम क्या करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में, नाम तो हो गया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, बट लोग उसके बिजनेस के बारे में बात नहीं करते, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात करके छोड़ देते हैं। बिकॉज बंदा आए, बिकॉज मुझे बिजनेस करना चाहिए, मुझे बिजनेस के बारे में बोलना चाहिए, एक बंदा को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाना चाहिए, उसे फिनेंशियल फ्रीडम की मतलब समझाना चाहिए, उसे फिनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाना चाहिए, ये मेरा मकसद होगा। सो हाउ टू स्टार्ट, ये जो प्रोग्राम हम कैसे स्टार्ट करेंगे। ये BOM स्टार्ट करने के पहले मैंने कल बोला था एक सोच होना चाहिए, What is in for me? WIIFM, ये ऑडियंस का अंदर रहता है, मेरे लिए इसमें क्या है, ये ऑडियंस खुद को पूछता है ये प्रोग्राम में मुझे क्या मिलेगा। तो हमको एक एक्सपेक्टेशन सेट करना है, ये प्रोग्राम शुरू करने के पहले वो ऑडियंस को क्या मिल सकता है। ओके, सो आई विल शेयर यू कैसा ये एक्सपेक्टेशन हम सेट करेंगे। ओके, सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स। आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में डायरेक्टली उसे नहीं बोल सकते हो, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग जो टर्म है ना एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, एक उलझा हुआ एक टर्म है। ये टर्म को जाने से पहले आपको सिंपल टर्म से, जो टर्म उसका जिंदगी में अभी चल रहा है उसके बारे में बात करना चाहिए। उसके बारे में बात कर धीरे धीरे आपको
आपका जो सोल्यूशन है, आपका जो प्रोडक्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम और नेटवर्क मार्केटिंग तरफ, उसे ले जाना चाहिए। और कनेक्ट द पॉइंट्स, आपका हर एक पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। और ये जो प्रोडक्ट, ये जो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, इसे बेचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक फियर फैक्टर रेडी करना, बिकॉज लोगों का अंदर ये एक फियर रहता है, बट वो महसूस नहीं करता है ये फियर मेरा सामने है, उसका सामने एक डेंजर है, बट उसे पता नहीं उसका सामने वो डेंजर है, बिकॉज वो जो काम अभी जैसा करता है वैसा करता ही रहेगा। सो इन फ्यूचर उसका ड्रीम वो सफल नहीं हो सकता है, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, वो उसका फैमिली को जैसा वो चाहता है वैसा नहीं रख सकता है। बट ये जो चीज वो मेरा प्रोस्पेक्ट का अंदर जो है उसे बाहर निकालना, एक डर उसका अंदर लेकर आना, तो ऐसा करता ही रहेगा, देन फ्यूचर में यू आर गोइंग इन योर रॉन्ग डायरेक्शन। तू मेहनत कर रहा है, बट मेहनत कौन सा सीढ़ी में कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो सीढ़ी में तू चढ़ रहा है ना, वो सीढ़ी तुझे तेरा ड्रीम तक, तेरा गोल तक नहीं ले जाने वाला है। ये बात को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो BOM, आई एम टेलिंग यू माई फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल लगता है, बट इसका अंदर आपको इंफॉर्मेशन थोड़ा ज्यादा ही सिंपल देना है, बट यू हैव टू कवर ऑल द इंफॉर्मेशन। फिर हम ये BOM में ये भी कवर करेंगे, द बेसिक एक्शन, उसे क्या करना चाहिए, देन हाउ ही विल बी रिवॉर्डेड, एंड द सपोर्ट, उसे क्या मिलेगा कंपनी की तरफ से, और ऐसे अपलाइन मेरी तरफ से और मेरा टीम की तरफ से उसे क्या सपोर्ट मिल सकता है, ये बोलकर एक क्लोजिंग देना। ये है BOM करने का एक सिंपल तरीका। ये जो मैं बोल रहा हूं BOM करने का जो सिंपल तरीका, ये एक तरीका हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं यही तरीका, बिकॉज ये जो प्लान प्रेजेंट करने में, ये नीड क्रिएट करने का वेरियस वे है, एक से ज्यादा वे है। ओके, सो मैं एक वे को पकड़ा, आप दूसरे वे को भी पकड़ सकते हो। ओके, like I'm scrolling now, you can see, okay. ये जो हमारा स्लाइड्स है, ये स्लाइड्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पहला एक 11 स्लाइड तक है, ये 11 स्लाइड तक हम बात करेंगे, हम DXN के बारे में, नेटवर्क के बारे में, किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे एक नीड क्रिएट करना, उसका जो प्रॉब्लम है उसे सामने लेकर आकर उसे बताना तेरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है। ये 11 स्लाइड हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, फिर बाकी जो 12 से उसकी बात जो स्लाइड है, हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, उसे एंटरप्रेन्योर क्यों बनना है उसके बारे में, और DXN नेटवर्क मार्केटिंग में एक बेहतरीन कंपनी क्यों है इसके बारे में हम बात करेंगे अप टू 25 स्लाइड तक। उसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के DXN में आने के बाद उसे क्या करना चाहिए, सिंपल स्टेप्स क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे अप टू 30 स्लाइड्स, एक 5 स्लाइड उसके बारे में बात करेंगे, और 5 स्लाइड बात करने के बाद ये करना में उसका फायदा क्या हो सकता है, DXN का मार्केटिंग प्लान कैसा उसे रेमुनरेट कर सकता है, ये हम बात करेंगे 44 स्लाइड तक, और बाकी जो 45 एंड 46 स्लाइड है ये एक क्लोजिंग देंगे, हम जो सपोर्ट आपको जैसा करते हैं वो सपोर्ट देकर हम यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे। ठीक है, ये है हमारा स्लाइड का सीक्वेंसेस, ये आपने स्लाइड देख लिया। ओके, ये जो स्लाइड आप कोशिश करो इसे व्हाइट बोर्ड में कैसा हम रिप्रेजेंट करें। ओके, और एक इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये जो मेरा 11 तक जो नीड क्रिएट करना है ना, ये नीड क्रिएट कर नेटवर्क मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस कराने के लिए एक बहुत बेहतरीन बुक है। ओके, दिस बुक यू शुड रीड, ये बुक है, हाँ, यहां पे आप देख रहे हो द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, ये हिंदी में भी मिलता है, जरूर ये किताब, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो ये किताब जरूर पढ़ना, एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ो। ठीक है, ये जो किताब है ये आपको BOM लेने में, BOM एक नीड क्रिएट करने में, जो आपका जो प्रोस्पेक्ट जो चल रहा है उसकी दिशा कहां जाएगा और नेटवर्क मार्केटिंग उसे कहां लेकर आएगा, ये क्लियर करने में ये बहुत बहुत बेहतरीन बुक है। ओके,
इसके बारे में लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस है, आप यूट्यूब में जाएंगे सो यू कैन सी लॉट ऑफ वीडियोस ये 21st सेंचुरी के बारे में, छोटे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस। ये बुक को पूरा पढ़ नहीं सकते तो ये वीडियोस देखो, ओके 11 मिनट का 8 मिनट का वीडियो हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी ये जरूर देखना। ये हर एक नेटवर्क मार्केटिंग का अंदर, इसका अंदर जो शब्द उसने यूज किया है, ये शब्द आपको यू शुड गेट यूज्ड विद दिस वर्ड्स, ओके लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, पैसिव इनकम होगा, लीनियर इनकम होगा, एक्टिव इनकम होगा, कैश क्वाड्रेंट क्या है, ये सब जो चीज है शायद आपको पहली बार आप सुनते हो, बट ये जो वीडियोस बार बार देखने में आपको बहुत मदद मिल सकता है एक प्रेजेंटेशन देने की देने के लिए, ठीक है। ओके सो नाउ आई विल गिव यू अ सिंपल प्रेजेंटेशन, ओके ऐसे मैं बोल रहा हूँ, इट इज वन ऑफ द वे, ये एक तरीका हो सकता है बिजनेस को प्रेजेंट करने में। एज ए नेटवर्कर अगर मैं ये बिजनेस प्रेजेंट करूंगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ओके तो मेरा ओपनिंग क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन कैसा सेट करना है, और बॉडी का अंदर कैसा जाना है, और क्लोजिंग कैसा देना है, ओके सो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग।